हेलो नमस्ते सलाम एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपने जो मेरी मसूरी सीरीज को प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो सीरीज है, जो सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारी जो लोकेशंस हैं मसूरी की जो आपने देखी नहीं होंगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता ही देहरादून से लेके मसूरी का इतना हसीन है, यहाँ पे हर कोई बार बार आना चाहता है। और जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक भी है कि भाई एक बजट ट्रैवलर को मसूरी कब नहीं आना चाहिए, वैसे तो गाइज जो मैंने आज वीडियो अपलोड करना था वो मैंने मॉल रोड का जो अनकट वीडियो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि वो अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो डालना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको भी जो आपके पैसे हैं वो सेव हो सकें, आप परेशान ना हो मसूरी आके। गाइज, मैं साल में कम से कम दो बार तो मसूरी जरूर आता हूँ, कभी कभी मैं तीन बारी भी आ जाता हूँ, और ये सिलसिला जो है ये बचपन से जारी है, तो मैं मसूरी को काफ़ी करीब से जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, आपको बेकार परेशानी ना उठानी पड़े मसूरी में आकर। तो गाइज, अब आते हैं टॉपिक पे। तो जो ट्रैवलर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, एक होते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, और एक होता है जो सोलो ट्रैवलर होता है। तो गाइज, जो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, अपनी फैमिली के ट्रैवल करते हैं, तो जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं मई जून के अंदर, तो उन्हें मजबूरी में मई जून के अंदर ही आना होता है। और मई जून के अंदर जो यहाँ के होटल्स हैं उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, और यहाँ पर जो क्राउड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बेचारे को मजबूरी में यहाँ पे आके 5,000 का, 6,000 का, जो भी 7,000 का जो भी होटल होता है उसको यहाँ पे आके लेना पड़ता है। और देखिए गाइज, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मई जून पे यहाँ पे तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है, सदर बाजार, चांदनी चौक जैसे दिल्ली वाला माहौल होता है यहाँ पे। तो गाइज, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं या आप सोलो मसूरी आना चाहते हैं, तो आप भी इसी महीने में आए, मई जून में ना आए, वो तो आपको पता ही होगा कि भाई वहाँ पे कितने हाई फाई प्राइस होते हैं। और जो इस महीने में भी अगर आपको आना है अगस्त सितंबर में, तो आपको कब यहाँ पे नहीं आना है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप फ्रेंड्स के साथ या आप सोलो हैं और आप इस सीज़न के अंदर मसूरी आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप सैटरडे और संडे को यहाँ पे ना आए, क्योंकि पहले होता था कि भाई दो तीन महीने का सीज़न होता था, अब तो पूरे साल का वीकेंड पे यहाँ पे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, काफ़ी जगह से लोग आते हैं और प्राइस जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर कभी भी लेट इवनिंग या लेट नाइट नहीं पहुँचना है। अगर आप यहाँ पे लेट इवनिंग या लेट नाइट पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको हाईवे पर भी जो प्राइस मिलेगा वो भी आपको 4-5 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतने पैसे होटल को ही पे कर देंगे तो उतने पैसे में तो 4-5 हज़ार रुपये में तो आप अपना 3-4 दिन मसूरी का ट्रिप ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर सोलो हैं तो वो तो इससे भी कम कर लेंगे, फ्रेंड्स के आए हैं तब भी आप इतने में कर लेंगे। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आप लेट नाइट मसूरी ना आए और वीकेंड पे भी मसूरी ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जैसा कि मैंने उससे कमिटमेंट किया था, मॉल रोड का वीडियो आएगा, कंप्लीट मॉल रोड का वीडियो आप देखेंगे, सारे वहाँ पे होटल्स जो मॉल रोड पे है वो भी आप देखेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है वो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।